स्टूडेंट अकोमोडेशन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों. अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और पहली बार, क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर एनसीआई के पास पॉइंट है, या फिर तो स्टूडेंट अकोमोडेशन का ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि आप अपना तो वीकली आपका जो रेंट होगा वो इंक्लूसिव एवरी कोई. फिर सपोर्ट सर्विसेज जैसे मेंटेनेंस वगैरह हो गया आपका वॉश, क्योंकि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, सब अलग अलग जगह से आए हो. हाई स्टूडेंट अकोमोडेशन अपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए कुछ ना. फिर एक ब्लॉक का गेट था, फिर एक लिफ्ट से पहले गेट. मैं 5 के 5 साल स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहा हूँ. इनके कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं. साइड में जो दीवारें होती है ना वो थोड़ी पतली होती है, तो आवाज गार्ड वगैरह आ जाते हैं अगर ज्यादा आवाज होती है. कोई कंप्लेंट गाने वाने आप रात को लेट नाइट ना, के रूल्स एंड रेगुलेशंस विजिटर्स वगैरह को लेके हो जाते हैं. जैसे इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि 8 लोग एक किचन शेयर. तो इसका बहुत आसान आंसर है एम्बर स्टूडेंट. मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप जाके लिंक क्लिक कर. वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो. हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज है 21 जून और आज मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करूंगा. मेरे से लोग पूछते रहते हैं कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहें या प्राइवेट अकोमोडेशन में रहें, और स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहें तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं. तो मैं दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों बात करूंगा. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोज क्या क्या हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने के, फिर कॉन्स क्या क्या हैं. तो प्रोज और कॉन्स दोनों डिस्कस हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोस से. अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और पहली बार अपनी होम कंट्री से बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए स्पेसिफिकली, और काफी टाइम के लिए, मतलब 1 साल के लिए जाते जाते हैं फिर बाद में रहना वगैरह, तो बिल्कुल अलग होता है. तो आप 1 साल के लिए पहली बार अपने घर से अलग जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो होम सिकनेस फील होना काफी कॉमन बात होती है. एंड होम सिकनेस से बचने का एक तरीका है कि आप जाते ही बहुत सारे लोगों से मिलने लगो, घुल मिल जाओ लोगों से, और दोस्तों को अपना फ्रेंड्स वगैरह बना लो. तो ये तो बेस्ट तरीका है होम सिकनेस दूर करने का, और ये आसानी से हो सकता है स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर सारे ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट जो पहली बार अपने घर से बाहर निकले होते हैं. सबकी जर्नी आपकी जैसी होती है, पहली बार अपने घर को छोड़ के आए हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के आए हैं. तो उनसे बात करके, उन्हें फ्रेंड्स वगैरह बना के होम सिकनेस बहुत कम फील होती है. या फिर मैं अपने केस में बताऊँ तो मेरे को तो स्टार्टिंग के 1 महीने हुई थी, फिर जैसे जैसे दोस्त बन गए थे उसके बाद मेरे को होमसिकनेस का तो नाम ही नहीं था. आराम से मजे करते थे, बाहर घूमने घूमने जाते थे, प्लान्स वगैरह बनाते थे, तो वो होमसिकनेस फील नहीं होती है. और सारे जो भी होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे बात करना, फ्रेंडशिप वगैरह करना, दोस्ती करना स्टूडेंट अकोमोडेशन में बहुत आसान होता है. वही अगर आप किसी प्राइवेट रूम वगैरह में लेके रहोगे तो आपको काफी ज्यादा चांसेस है कि और ज्यादा होमसिकनेस फील होगी, क्योंकि वहां पे आप अकेले हो गए, मैक्सिमम आपके साथ 2 लोग होंगे. तो ये बहुत बड़ा प्रो होता है एक वहां रहने का, स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने का. तो मेनली तो इसी चीज की वजह से मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट अकोमोडेशन मस्ट है आपके फर्स्ट ईयर में. उसके बाद आपके होम सिकनेस पहले साल में ज्यादा होती है, उसके बाद तो कम हो जाती है. तो वहां पे जाके रहने मैंने फर्स्ट ईयर में आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो, उसके बाद अपना देख लो प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में जा सकते हो, वो भी अपने दोस्त वोस्त बना लो उनके साथ चले जाओ, तो एक ही बात हो जाती है. फिर सेकंड नंबर पे आता है कन्वीनियंस. मोस्टली जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होते हैं वो कॉलेजेस के आसपास ही होते हैं, जैसे ट्रिनिटी के आसपास स्टूडेंट अकोमोडेशन है, एनसीआई के पास पॉइंट है, या फिर प्रॉक्सिमिटी उनकी ऐसी होती है कि सारे कॉलेजेस आसपास ही होते हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. तो स्टूडेंट अकोमोडेशन का ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि आप अपना स्टूडेंट अकोमोडेशन पकड़ो कॉलेज के आसपास वाला, वहां जाके रहो. ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो आपको दूर घर वर देखना पड़ेगा, वो भी कहाँ घर मिलेगा कैसा मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, कितने दूर है, कनेक्टिविटी कैसी, वो आपको एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है. फिर स्टूडेंट अकोमोडेशन में जो होते हैं वो यूटिलिटीज वगैरह सारे इंक्लूडेड होते हैं आपके पेमेंट में, लाइक आपके बिल वगैरह में. तो वीकली आपका जो रेंट होगा वो इंक्लूसिव एवरीथिंग होगा आपको, बाकी चीजों की जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, अपना ये गार्बेज कलेक्शन वाला बिल हो गया, इस सब में से किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ इंक्लूडेड होता है. तो आप बिल्कुल नए नए गए हो, आपको पता नहीं है वहां पे सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो आपके लिए बेस्ट चीज है कि आपको और किसी चीज का ध्यान नहीं देना है, एक पेमेंट करो उसमें सब कुछ हो जाता है. तो एक ये चीज हो गई. फिर सपोर्ट सर्विसेज जैसे मेंटेनेंस वगैरह हो गया, आपका वॉशरूम में कुछ नहीं चल रहा, आपके रूम में सीलन आ गया, जैसे इस बार मेरे रूम में थोड़ा सा साइड में हो गया था, तो पोर्टल होता है, पोर्टल पे एक मैसेज डालो अगले दिन या दूसरे दिन वो आके सब कुछ साफ वाफ करके सब कुछ ठीक करके चले जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं होता उसके भी.
तो ऑन साइट आपको सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मस्त चलता है और सिक्योरिटी पर्सनल भी होता है आपका नीचे अपने रिसेप्शन पे, सिक्योरिटी वाले होते हैं। रात को भी पॉइंट ने एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी हायर करी थी, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, ये सब इंक्लूडेड होता है, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना। फिर जो एनवायरमेंट होता है अपने वहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन में वो सेम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट या तो सेम कॉलेज के बच्चे रह रहे होते हैं या फिर मतलब कॉलेज से कितना दूर है उस हिसाब से, या फिर और भी कॉलेज के होते हैं, सबके एग्जाम्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही होते हैं, सब पढ़ाई साथ में करते हैं। जैसे अभी मैं हमारा डिसर्टेशन वगैरह चल रही थी तो हम मैं कितना पूरे टाइम नीचे स्टडी रूम में बैठ के इन लोगों के साथ वनज, मैं, क्षितिज, गिल, आयुष, जो भी थे जितने लोग थे सबके साथ में डिसर्टेशन चल रही थी। तो भाई सही बता रहा हूँ, बहुत आसान काम हो गया था हमारे लिए, फटाफट सारा वारा काम करना, कुछ मेहनत नहीं होती थी, तो सबका भी सेम चीज चल रही थी, कोई भी डाउट हो आसानी से एक दूसरे से पूछो। और बहुत सब सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो पार्टी करते हैं तो पार्टी भी सब सेम टाइम करते हैं, पढ़ाई होती तो पढ़ाई भी सेम टाइम पे करते हैं। तो ये एक बहुत मेजर फायदा है कि एनवायरमेंट बिल्कुल सेम होता है, एग्जाम्स के टाइम पे एग्जाम्स वाला हो जाता है, पार्टी के टाइम पे तो एग्जाम्स छोड़ के बाकी रहें तो पार्टी की पार्टी रहती है वहाँ पे। फिर आप लोगों के लिए नेटवर्किंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, सब अलग अलग जगह से आए होते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के दोस्त बनाने में स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत मजा आता है। मेरे अपार्टमेंट में आयरिश लोग रहते थे, अमेरिकन लोग रहते थे, और सेकंड ईयर में फ्रेंच लोग रहते थे, स्पेनिश रहते थे, तो अलग अलग दोस्तों से अलग अलग टाइप की बातें होती हैं, तो वो भी भाई बाहर पढ़ने जा रहे हो तो ये चीज़ें तो मजा आता है, इसमें बहुत मजा आता है, ये एक चीज हो जाती है। फिर जो आपकी अकोमोडेशन होती है वो भी कई बार काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे चाइनीज न्यू ईयर हो गया और न्यू ईयर हो गया, इस टाइम पे अलग अलग पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर वीकली कोई इवेंट्स करवाते हैं, योगा क्लासेस हो गई, 5K रन हो गया, वॉक हो गई, तो हाई स्टूडेंट अकोमोडेशन अपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवाते रहते हैं, तो ये भी बढ़िया चीज रहती है, क्योंकि बिजी रहते हो आप पूरे टाइम, कॉलेज में भी कुछ चल रहा है, अकोमोडेशन में भी कुछ चल रहा है, तो ये भी बढ़िया बात रहती है। फिर सिक्योरिटी तो है ही एक बहुत बड़ा रीज़न, आपको सीसीटीवी कैमरास मिल जाते हैं हर जगह, सिक्योरिटी गार्ड होता है, मॉनिटर्ड होता है फुली। तो जैसे मैं अपना मेन गेट से अपने रूम तक का बताऊं तो एक मेन गेट था, फिर एक ब्लॉक का गेट था, फिर एक लिफ्ट से पहले गेट था, फिर मेरे अपार्टमेंट का गेट था, फिर मैं एक रूम का गेट था, तो ये चार लेवल ऑफ दरवाजे क्लियर करने के बाद कोई मेरे रूम तक आ सकते, किसी को मेरे को रूम तक आना है तो उसे चार चीज़ों की चाबी चाहिए, लाइक मास्टर की चाहिए, फिर तो उसे वरना सेफ्टी इस हिसाब से बहुत अच्छी है, कोई आपके रूम तक इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकता, तो ये भी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने का, जब आप नए नए गए हो उस केस में। फिर पूरा स्टूडेंट अकोमोडेशन जो भी होते हैं फुली फर्निश होते हैं, आपको एक्स्ट्रा चेयर वगैरह खरीदना मतलब आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप ले सकते हो, वरना चेयर मिलती है, स्टडी टेबल मिलती है, बेड होता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ लगा लगाया मिलता है, आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा, वो तो आपके ऊपर, अगर आपको कुछ खरीदना है तो खरीद लो। जैसे कई अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें तो बेड भी नहीं होता, अलमारी भी नहीं होती और स्टडी टेबल वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं होता, फुली फर्निश्ड होते हैं, लिविंग रूम फर्निश्ड होता है, वहाँ पे सोफा होता है, टीवी होता है और केटल्स मिलती हैं, माइक्रोवेव है, ओवन है, फ्रिज है, सब कुछ मिलता है स्टूडेंट अकोमोडेशन में, तो ये भी बात है। फिर आप जैसे कॉलेज के पास ही है तो कॉलेज की लाइब्रेरी हो गई, आपकी स्टूडेंट अकोमोडेशन लाइब्रेरी हो गई, कॉलेज का जिम हो गया, कॉलेज में आपका कोई भी एक्टिविटी है तो फटाफट से जाके आ सकते हो, वो भी पास ही होते तो उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कुछ बहुत बड़े प्रोज हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के, जिनके फेवर में मैं हमेशा से रहता हूँ, जब मेरी स्टूडेंट लाइफ चल रही थी मैं हमेशा इनके फेवर में रहता था, मैं 5 के 5 साल स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आज तक मेरे को वहां रहने में, चाबी थी मेरे पास, जाओ आओ, तुम्हारा रूम है, तुम्हारी अकोमोडेशन है, जिम जाना है नीचे, स्टडी रूम साइड में, किसी से मिलना है उसके रूम चले जाओ। मेरे तो यही फायदा है, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ में स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते थे तो ये बहुत बड़ा एक फायदा था मेरे पास, तो स्टूडेंट अकोमोडेशन मेरे हिसाब से मस्ट है, स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो जा रहे हो तो। फिर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन के कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, काफी कम है लेकिन थोड़े बहुत कॉन्स तो रहते हैं, तो थोड़े बहुत कॉन्स हो गए, जैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन होते हैं उनके साइड में जो दीवारें होती है ना वो थोड़ी पतली होती हैं, तो आवाज एक रूम से दूसरे रूम में जाना काफी कॉमन बात होती है, जैसे आप रात को किसी से घर पे बात कर रहे हो और साइड वाले रूम वाला है तो आवाज चली जाती है, जैसे मैं भी बात करता तो मेरे साइड वाले रूम में आवाज चली जाती थी, कोई साइड वाले रूम में बात कर रहा होता है तो मेरे रूम में आवाज आती है, तो इतना आवाज वगैरह जाती है, थोड़ी बहुत प्राइवेसी इश्यूज होते हैं क्योंकि हाँ इतने होते हैं कि आवाज वगैरह इधर उधर चली जाती है, ये होता है। फिर नॉइस लेवल्स का स्टूडेंट अकोमोडेशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि 11 बजे के बाद गार्ड वगैरह आ जाते हैं अगर ज्यादा आवाज होती है कोई कंप्लेंट, तो नॉइस कंप्लेंट्स में आपको नॉइस लेवल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि नॉइस ज्यादा ना हो, गाने वाने आप रात को लेट नाइट ना सुनो, तो ये होता है। दिन में तो आपको जो गाना करो, दिन में आपको कोई नहीं रोक सकता,
रात को आपको थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है, फिर थोड़े आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस विजिटर्स वगैरह को लेके हो जाते हैं, जैसे इतने बजे के बाद आप किसी और को ला नहीं सकते, लाइक अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते हो आप, पहले से आप साइन इन करवाओ, किसी का इमीडिएट प्लान बन जाता है तो वैसे तो लोग ले जाते हैं, लेकिन आपको रिसेप्शन पे साइन इन वगैरह करवाना पड़ता है, उसकी प्रोसेस होती है कि आप एक दिन पहले उन्हें मेल कर दो कि मेरा ये दोस्त आगे मेरे साथ इतने दिन के लिए रहेगा, तो वैसे मान जाते हैं, लेकिन जैसे आपका अपना खुद का घर रहेगा तो कितने दिन के लिए रखना है रखो, कोई टेंशन नहीं होती, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है वहां पे। फिर स्टूडेंट अकोमोडेशन कंपेरेटिवली मतलब जो मैं अभी देख रहा हूँ उसके तो आसपास ही है, लेकिन थोड़े बहुत जैसे 100-150 यूरो महीने का महंगे होते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह से, तो ये हल्का से लोगों को लगता है कि स्टूडेंट अकोमोडेशन महंगे होते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस हिसाब से तो बेस्ट प्राइस मिलता है उसमें, मेरे को नहीं लगता इतनी भी दिक्कत होनी चाहिए लोगों को, तो ये एक चीज हो जाती है। फिर जो लिविंग रूम होता है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 8 लोग एक किचन शेयर कर रहे होते हैं, तो कौन सी तो किस टाइम किचन फ्री है नहीं है वो लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, कितने बजे कौन बनाएगा और अपना टाइम एक फिक्स कर लेना, उसी टाइम बनाते हैं लोग। मैंने आयरिश लोगों को देखा है कि वो काफी जल्दी खाना बना लेते, तो मैं थोड़ा लेट खाना खाता, तो मेरे को ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन कई बार दिक्कत हो जाती है, जैसे कि फ्रिज में थोड़ी जगह कम है, फिर कंपार्टमेंट वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन बाकी आप किचन में थोड़ा बाहर की तरफ सामान नहीं रख सकते अपना, कंपार्टमेंट के अंदर रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ होता है आपका स्टूडेंट अकोमोडेशन, वो बिल्कुल फिक्स होता है, उसे आप बीच में छोड़ के जा नहीं सकते, तो पैसे वैसे रिफंड नहीं मांग सकते, तो ये चीज होती है कि आपको कहीं और घर मिल गया तो वहां नहीं रह सकते, तो ये सारे थोड़े बहुत कॉन्स लगते हैं मेरे को, लेकिन प्रोज के सामने देखे जाए तो कॉन्स बहुत कम है, तो स्टूडेंट अकोमोडेशन इस हिसाब से मेरे को परफेक्ट लगते हैं किसी नए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, आयरलैंड जो जा रहे हैं या बाहर कहीं भी पढ़ने जा रहा है, यूके यूएस और कनाडा कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, तो इस हिसाब से स्टूडेंट अकोमोडेशन बढ़िया लगती हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कैसे करें, तो इसका बहुत आसान आंसर है एम्बल स्टूडेंट के थ्रू मैंने काफी ज्यादा लोगों को अकोमोडेशन बुक करवाई हुई है, मेरे खुद के दोस्तों ने करवाई हुई है, वनज वगैरह की, वनज चंद्र, आयुष पूजा, बहुत सारे हैं जिनकी मैंने खुद बुक करवाई है, तो कोई टेंशन नहीं होती एम्बल स्टूडेंट के थ्रू अकोमोडेशन बुक करवाने में, बहुत आसान प्रोसेस है। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप जाके लिंक क्लिक करोगे, अपनी प्रेफरेंस डालोगे कौन सा कॉलेज कहाँ से कब से चाहिए आपको, तो सारी प्रेफरेंसेस देखने के बाद वो आपको सामने से ऑप्शंस देके कॉल करेंगे, ये ऑप्शंस है आप यहाँ पे जाके रह सकते हो, ये कॉलेज के पास है, ये यहाँ पे, तो आप उनसे बाकी बातचीत कर सकते हो, मेरे को कॉलेज के पास चाहिए, आप अपनी सारी प्रेफरेंस बता सकते हो कि मैं ट्रिनिटी में पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को लोअर स्टॉप के पास चाहिए, साथ में ग्रोसरी स्टोर होना चाहिए, साथ में कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, लीज लेंथ इतनी होनी चाहिए, मेरे को एक सेमेस्टर के लिए चाहिए, मेरे को 4 ईयर के लिए चाहिए, आप उन्हें ये सब बताओ, वो इस हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शंस जो होंगे वो सामने से फिल्टर करके दे देंगे। अगर आपके खुद के माइंड में कुछ है कि मेरे को यहाँ पे जाके इसी अकोमोडेशन में रहना है, तो आप उनसे बोल दो कि मेरे को इस अकोमोडेशन में रहना है, मेरे को ये बुक करवा दो, तो वो आपके सामने से पेपर वर्क वगैरह में हर चीज में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपको गारंटर सर्विसेज चाहिए नहीं चाहिए, वो सब में हेल्प करेंगे आपको, और आपकी अकोमोडेशन फटाफट से बुक हो जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारा काम वो करके देंगे, आपको खाली फॉर्म भरना है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दबाओ, जाके फॉर्म भरो और बाकी सारी अकोमोडेशन की मेहनत उन पे छोड़ दो, और अकोमोडेशन फटाफट से बुक कर दो, क्योंकि अब इतने स्टूडेंट अकोमोडेशन आयरलैंड में बची नहीं है, सप्लाई कम होती जा रही है, पॉइंट में बहुत लंबी वेटलिस्ट चल रही है, हर अकोमोडेशन में अब ऑलमोस्ट वेटलिस्ट चल रही है, कुछ खाली पड़ी है, तो अब फटाफट से देख लो कहाँ वेटलिस्ट है कहाँ खाली पड़ी है, तो बुक कर लो अकोमोडेशन, हाई टाइम हो गया ये। बाकी मैंने मेंबरशिप भी अपने चैनल पे आज से लॉन्च कर दिया, तो मेंबरशिप भी देख रहे हैं नीचे क्या क्या है वहाँ पे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पर्क्स में डाले हैं, वो एक चीज हो गई। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन स्टूडेंट इन आयरलैंड इंस्टा studentinireland.com और फटाफट से अकोमोडेशन बुक करो, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, डाउट्स हो तो मैंने बता दिया क्या क्या करना है, तो ठीक है, ओके बाय।